मुख्यमंत्री आवास पर 3 घंटे मंथन, सीएम गहलोत, प्रभारी माकन और पीसीसी सचिव डोटासरा में ये मंथन। सत्ता और संगठन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रिक्त पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों पर भी सहमति की बात हुई है। रात को ही 2 विधायकों की नियुक्तियों का सिलसिला शुरू भी हो गया। पीसीसी के विस्तार को लेकर भी लंबी चर्चा की गई। इस मंथन के दौरान मंत्री और विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी मंथन रहा। विवादास्पद बयानबाजी को लेकर चिंता भी इस मंथन के दौरान जाहिर की गई। साथ ही पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर बैठक में हुई चर्चा। आज भी दिन भर साथ रहेंगे तीनों ही नेता और इस बीच मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी सहमति बन जाएगी। देखिए जिस तरह से अभी आपको जानकारी दी, होटल मैरियट में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन रुके हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के बीच में एक लंबी मंत्रणा रही, एक लंबा मंथन हुआ जिसमें सत्ता और संगठन के विभिन्न मुद्दे चर्चा का विषय रही। साथ ही रिक्त पदों पर राजनीतिक नियुक्ति, जो कि एक सबसे बड़ा सवाल था, उस पर भी सहमति बनी। और ना सिर्फ सहमति बनी बल्कि रात से ही 2 विधायकों की नियुक्तियों का सिलसिला शुरू भी कर दिया गया। साथ ही पीसीसी के विस्तार को लेकर भी लंबी चर्चा की गई। मंत्री और विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी मंथन किया गया। पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेश जी, एक बड़ा मंथन हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी माकन और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा के बीच, जिसमें सत्ता और संगठन और साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों पर जो सहमति बनी उसका असर भी देर रात से ही नजर आने लगा। क्या जानकारी देंगी? बिल्कुल, जैसे देखिए कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का भले ही दौरा जो आज आदिवासी कार्यक्रम को लेके बना हो, लेकिन इसके मायने अलग है। ये दौरा पूरी तरह से राजस्थान में सत्ता और संगठन को केंद्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जी। और कल रात को जिस तरह से करीब 3 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई थी, डिनर पे चर्चा हुई थी, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे और उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, चाहे वो पीसीसी का विस्तार हो, चाहे खाली पदे पड़े हैं जो राजनीतिक नियुक्ति के लिहाज से उनसे नियुक्ति करने का मामला हो, और इसके अलावा जो विधायकों मंत्री की परफॉर्मेंस है, कई जो उनकी लगातार शिकायतें आती है बयानों को लेकर, आपस में झगड़े को लेकर, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। जहाँ तक राजनीतिक नियुक्तियों का मामला है तो आपने देखा होगा कल इसका सिलसिला शुरू भी हो गया। 2 विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, वाजिब अली और संदीप यादव, उनको राजनीतिक नियुक्ति दे दी है। यानी एक तरह से कहे कि 3rd चरण शुरू हो चुका है। अब कभी भी एक जो है बड़ी लिस्ट भी आ सकती है या टुकड़ों में भी ये नाम जारी हो सकते हैं। तो वे कांग्रेस के नेता जो लगातार इंतजार कर रहे हैं राजनीतिक नियुक्तियां पाने का, उनके लिए इस मीटिंग से खुशखबरी है, क्योंकि तो लगभग सहमति बन चुकी है कि इन जो नेता है उनको नियुक्तियां देनी है। इन तमाम चीजों पर एक्सरसाइज हो चुकी है, खासकर जो संगठनात्मक चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा हुई और पीसीसी के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई, और इसके अलावा कांग्रेस के जो विभिन्न कार्यक्रम होने हैं प्रदेश में संगठन के स्तर पर सत्ता के सहयोग से, सत्ता के समन्वय के साथ में, उनको लेकर भी मंथन हुआ। और आज भी दिन भर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा साथ में रहेंगे, वो आगर इलाके में विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन क्योंकि विशेष प्लेन में हेलीकॉप्टर में साथ रहेंगे तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। और जो एक और बात है मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके, उस पर भी प्रारंभिक चर्चा है वो हुई है, लेकिन ये फैसला खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है, क्योंकि चुनाव के लिहाज से अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उस लिहाज से बड़ा फैसला करना है जी। और अब देखा जाता है कि जो खराब परफॉर्मेंस वाले जो मंत्री हैं उनकी कितनों की छुट्टी होती है और किन को मौका मिलता है, क्योंकि अगर फेरबदल होता है तो कई समीकरण ध्यान में रखने होते हैं, चाहे वो जातिगत हो चाहे क्षेत्रीय हो, और ऐसे चेहरे को भी लाना जरूरी है जिनको लेके जनता ज्यादा नाराज नहीं है जी। क्योंकि जब 4 साल की सरकार हो जाती है तो इस बात की संभावना बनती है कि मंत्रियों के प्रति, उनके कामकाज के प्रति नाराजगी हो, और ये बात फीडबैक में भी सामने आई है कि कई मंत्री है जिनको लेकर काफी नाराजगी है या जिनका जो काम अब तक है वो संतोषजनक नहीं रहा। ऐसे में इस बात की संभावना है कि उन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और उनको संगठन में कहीं जगह दी जा सकती है, लेकिन ये तमाम चीजें फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर चर्चा में है। खुद फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बारे में करना है। नरेश जी, यहाँ पर एक विवादास्पद बयानबाजी को लेकर भी चिंता की अब जाहिर की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे समय में जब चुनाव इतने नजदीक आ रहे हैं और कोशिशें की जा रही है कि पार्टी और संगठन को मजबूती हर मोर्चे पर दी जाए, ऐसे में विवादास्पद बयानबाजी को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की।
कई ऐसे विधायक है जिनके बयान आपने पिछले समय में सुने होंगे, कुछ मंत्री भी है, चाहे वो मंत्रिमंडल की बैठक में आपने विवाद हो या अन्य किसी कार्यक्रम में आपस में उलझते नजर आए, चाहे उदयपुर में राज्यसभा चुनाव से पहले दो तीन मंत्रियों की बात हो। इसके अलावा अभी की अगर मौजूदा समय में बात करें तो राजेंद्र गोडा जो मंत्री है उनके बयान हो, अपने साथ के मंत्रियों पर हमला करते नजर आए हो, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये सरकार का पक्ष कमजोर होता है, इससे संगठन भी कमजोर नजर आता है इसमें। तो ऐसे में ऐसे जो मंत्री है, जो विधायक है, जिनके बयान से सरकार और संगठन को नुकसान होता हो, तो उसको लेकर बिल्कुल चर्चा हुई और इनका क्या किस तरह से इनको रोकने की कोशिश की जाए, किस तरह से लगाम लगाई जाए और भविष्य में इससे की गलतियां ना हो, क्योंकि अब क्योंकि अगला एक साल काफी महत्वपूर्ण है और अगर सरकार को रिपीट करने के मिशन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस बात को लेके भी उनको कुछ कड़े फैसले लेने ही होंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की बयानबाजी ना हो, क्योंकि विपक्ष को बड़ा मौका मिलता है जब इस तरह की बयानबाजी पार्टी के अंदर ही होती है। विधायक अपनी सरकार के खिलाफ अगर बोलने लग जाते हैं, कई मुद्दे हम पिछले दिनों में देखे हैं कि विधायक जो है वो ही मुखर हो जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं है कि किरकिरी जैसी स्थिति होती है, तो किस तरह से रोका जाए इस बात को लेकर भी रात की बैठक में चर्चा हुई है। बिल्कुल, चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।